माय डियर स्टूडेंट, आई एम स्टार्टिंग क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 9 ऑन पेज 105 इन एक्सरसाइज क्वेश्चन 1। टेक द मोस्ट सूटेबल आंसर इन क्वेश्चन 1 एंड 2, अर्थात MCQ टाइप के क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एडिशन टू द रॉक पार्टिकल द सॉइल कंटेन, इसमें बच्चों थर्ड ठीक है, मिनरल, ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर। फिर सेकंड देखिए, द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज हाईएस्ट इन द क्ले सॉइल, में सबसे ज़्यादा होती है, तो सेकंड इसका ठीक है। फिर मैचिंग का है बच्चों, मैच द आइटम इन कॉलम फर्स्ट विद दोज इन कॉलम सेकंड, कॉलम 1 ये है, कॉलम 2 ये है बच्चों। फर्स्ट देखिए, ए होम फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों को रहने के घर, सभी मिट्टियों में पाए जाते हैं, ऑल काइंड ऑफ सॉइल, अर्थात फर्स्ट का बी से है। सेकंड, अपर लेयर ऑफ द सॉइल, मिट्टी की सबसे ऊपरी जो लेयर होती है वो डार्क कलर होती है, यानी सी ठीक है, सेकंड का सी ठीक, डार्क इन कलर। फिर थर्ड, सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल बच्चों इसके पार्टिकल लार्ज होते हैं, तो इसका ए ठीक है, लार्ज पार्टिकल्स। फिर फोर्थ देखिए, मिडिल लेयर ऑफ द सॉइल है, जो मिडिल लेयर होती है सॉइल की, उसमें बच्चों क्या है कि लेजर अमाउंट ऑफ ह्यूमस, ह्यूमस बहुत कम होता है बच्चों। क्ले सॉइल में स्मॉल पार्टिकल होते हैं और पैक्ड भी होते हैं, स्मॉल पार्टिकल एंड पैक्ड टाइट, तो ये डी ठीक है। फिफ्थ का कौन सा है, डी ठीक, और फोर्थ का कौन सा ठीक है, ई। अब क्वेश्चन 4 देखिए, एक्सप्लेन हाउ सॉइल इज फॉर्म, बताइए मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो आपको हमने बताया था, सॉइल इज फॉर्म बाई वेदरिंग ऑफ द रॉक्स और ए ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स एंड मिक्सिंग ह्यूमस मेटेरियल इन इट, अर्थात मिट्टी का निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने और उसमें ह्यूमस मिलने से होता है। नंबर 5, हाउ इज क्ले सॉइल यूजफुल फॉर द क्रॉप्स, बच्चों क्ले सॉइल क्यों ज़्यादा यूजफुल होती है फसल के लिए, क्योंकि इसमें ह्यूमस ज़्यादा होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, ये एक तरह से मिट्टी उपजाऊ होती है। नंबर 6, लिस्ट द डिफरेंस बिटवीन क्ले सॉइल एंड सैंडी सॉइल, यानी क्ले सॉइल में और सैंडी सॉइल में आपको अंतर बताना है, समझे। तो क्ले सॉइल में पार्टिकल साइज छोटा होता है बच्चों, स्मॉल होता है, और इसमें पार्टिकल साइज बड़ा होता है, लार्जर पार्टिकल्स होते हैं इसमें, स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं सॉरी। तो अब देखिए, दूसरा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्ले सॉइल की बहुत ज़्यादा होती है, इसकी लो होती है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। दूसरा, ये फर्टाइल होती है और ये फर्टाइल नहीं होती। 7, स्केच द क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल एंड लेवल द वेरियस लेयर, बच्चों इसके लिए जो चित्र है वो ये वाला है, पेज 98 पर फिगर 9.8 सॉइल प्रोफाइल, ये सब आपको एज इट इज़ बनाना है, ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन, सी हॉरिजॉन, बेड रॉक, ये प्लांट्स, ये सब बनाने बेटा एज इट इज़। तो इसका आंसर हो गया। फिर 8th, रजिया कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट इन ए फील्ड रिलेटेड टू द रेट ऑफ पर्कुलेशन, सी ऑब्जर्व दैट इट टुक 40 मिनट फॉर 200 मिलीलीटर ऑफ वाटर टू पर्कुलेट थ्रू ए सॉइल सैंपल, कैलकुलेट द रेट ऑफ पर्कुलेशन। तो बच्चों, रेट ऑफ पर्कुलेशन इक्वल टू होता है अमाउंट ऑफ वाटर अपॉन पर्कुलेशन टाइम, तो 200 अपॉन 40 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 5, तो 5 मिलीलीटर पर मिनट इसका आंसर आ जाएगा। फिर देखिए 9th क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ सॉइल पॉल्यूशन एंड सॉइल इरोजन कुड बी प्रिवेंटेड, ये बताइए कि सॉइल पॉल्यूशन को, सॉइल इरोजन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। बच्चों ये मैंने आपको समझा भी दिया है वैसे तो, देखिए सॉइल पॉल्यूशन क्या है कि जैसे कि आपके इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स हैं, और दूसरे जो है एक तरह से केमिकल वेस्ट ऑफ द फैक्ट्रीज हैं, ये सब हमें नहीं डालने चाहिए,
एक तरह से ये सॉइल का पोल्यूशन करते हैं। सॉइल इरोजन जो है बच्चों, वो एक तरह से मिट्टी का कटाव है, वाइन के द्वारा, वाटर के द्वारा या अदर फैक्टर के द्वारा। तो अब क्या करना चाहिए हमें, इसमें वेजिटेशन ग्रो करनी चाहिए, सॉइल को एक तरह से ऐसा अनकल्टिवेटेड ना रखें, क्योंकि रूट जो है वो सॉइल को जकड़े रहती हैं, है बाइंड करती हैं और मिट्टी का कटाव नहीं हो पाता है। दूसरा ये है कि इसमें केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह कम डालेंगे, मैन्योर और खाद ज़्यादा डालेंगे तो तब भी सॉइल इरोजन नहीं होगा। पशुओं की जो ग्रेजिंग है वो भी इसमें ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं सॉइल इरोजन को भी और सॉइल पॉल्यूशन को। बच्चों ये 10 जो क्वेश्चन है आपको नहीं करना, ठीक है। इसके बाद देखिए आप आइए कि आपको फिगर कौन कौन से बनाने हैं। एक 9.2 फिगर बना लीजिए पेज 97 पर विद नेम, ये आपको बताई दिया है। एक फिगर 9.4 ये वर्किंग विद द सॉइल। एक फिगर 9.6 रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। और बच्चों फिगर 9.7 एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द सॉइल, ये भी आपको बना लेना है, ठीक है। इसके ये तो फिगर हो गए, अब कुछ डेफिनेशन भी बच्चों आपको करनी है। पेज 97 पर देखिए, द रोटिंग डेड मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। ये ह्यूमस की डेफिनेशन हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको निशान लगा लें, ठीक है। फिर है द सॉइल इज फॉर्म बाई ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रॉक्स बाई एक्शन ऑफ विंड वाटर एंड क्लाइमेट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग। ये वेदरिंग की परिभाषा हो गई और सॉइल फॉर्मेशन की भी हो गई बच्चों, तो वेदरिंग लिख लेंगे इसकी डेफिनेशन के रूप में। फिर है ए वर्टिकल सेक्शन थ्रू द डिफरेंट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द सॉइल प्रोफाइल। ये सॉइल प्रोफाइल की डेफिनेशन होगी बच्चों, यहां से लेके यहां तक। फिर है बच्चों यहां से देखें, द अपर मोस्ट हॉरिजॉन इज जनरली, पेज 98 पर यहां से, द अपर मोस्ट हॉरिजॉन इज जनरली डार्क इन कलर एज इट इज रिच इन द ह्यूमस एंड मिनरल। द ह्यूमस मेक द सॉइल फर्टाइल एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू ग्रो द प्लांट। दिस लेयर इज जनरली सॉफ्ट पोरस एंड कैन बी रिटेन मोर वाटर, इट इज कॉल्ड टॉप सॉइल और ए हॉरिजॉन। ए हॉरिजॉन डाल करके यहाँ से निशान लगा लेंगे आप। फिर देखिए यहाँ, द नेक्स्ट लेयर हैज़ ए लेजर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर मिनरल, दिस लेयर इज जनरली हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट एंड इज कॉल्ड बी हॉरिजॉन। बी हॉरिजॉन हेडिंग डाल करके यहाँ से लिख लेंगे बच्चों, यहाँ से निशान लगा लें, केवल निशान लगा लो, याद कर लेना। लेकिन द थर्ड लेयर इज द सी हॉरिजॉन विच इज मेड अप ए स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स विद द क्रेक्स एंड क्रीवीज। यहाँ से यहाँ तक की सी हॉरिजॉन हेडिंग डाल करके लिख लोगे बच्चों। बिलो दिस लेयर इज द बेडरॉक, बेडरॉक की चलो रहने दीजिए बस यहाँ तक, सी हॉरिजॉन। अब देखिए यहाँ से सॉइल टाइप में, द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल एंड ह्यूमस इज कॉल्ड सॉइल। ये सॉइल की डेफिनेशन हो गई बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। फिर इसके यहाँ देखो, द सॉइल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ द पार्टिकल्स। इफ द सॉइल कंटेन ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल इट इज कॉल्ड सैंडी सॉइल। बच्चों सैंडी सॉइल की डेफिनेशन हो गई। इफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द फाइन पार्टिकल्स इज रिलेटिवली हायर देन इट इज कॉल्ड क्ले सॉइल। ये क्ले सॉइल की डेफिनेशन हो गई, यहाँ से स्टार्ट हो गई यहाँ तक। इफ द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड द फाइन पार्टिकल इज अबाउट टू सेम देन द सॉइल इज कॉल्ड लूमी। ये बच्चों लूमी की परिभाषा हो गई, यहाँ से और यहाँ तक। बच्चों हाँ, आपको एक चीज़ और ध्यान करनी है कि मैं आपको एक्टिविटी सेंड कर चुका हूँ। ये एक्टिविटी क्या है क्लास सेवन्थ के लिए साइंस में, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ एनी फोर वूल यील्डिंग एनिमल इन ए फाइल। एक फाइल बना लेनी है जिसका एक पेज लाइनदार, एक बिना एस इस तरीके का होना चाहिए।
इस वाले पेज में आप लिखेंगे, इसमें डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अब बच्चों आपको ड्रॉ द पिक्चर ऑफ एनी फोर वूल यील्डिंग एनिमल्स, चार जानवरों के नाम बनाने जिनसे आपको वूल प्राप्त होती है, जो आपको चैप्टर थर्ड में मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एल्सो पेज द फाइव डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ, दर्जी या कोई अपने घर पड़े रहते हैं वो अलग अलग कपड़े लेकर के, ठीक है, वो आपको अपनी फाइल पर पेस्ट करने हैं, है। पेस्ट आप जो है लाइन वाले या बिना लाइन किसी भी पेज पर कर सकते हैं बच्चों, है, पेस्ट करके। और आपको लिखना है ये कि एनिमल्स के द्वारा ये प्राप्त होते हैं या प्लांट के द्वारा ये प्राप्त होते हैं, समझे नहीं, उसी फाइल में, ठीक है, अलग से कोई फाइल नहीं है, एक ही फाइल में ये एक्टिविटी आपको कंप्लीट करनी है। और बच्चों इसको 7 दिन में आप कंप्लीट कर लें, जब हमें ज़रूरत होगी आपसे मांग लेंगे या स्कूल में मंगा लेंगे। ध्यान करें, कोई और परेशानी है तो आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। थैंक यू बच्चों, ठीक है, और काम कंप्लीट रखें अपना।